आज पानीपत में आम आदमी पार्टी द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन जांच केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मौजूद रहे। सुशील गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में खट्टर सरकार खटारा हो चुकी है। हरियाणा के हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहीं इस दौरान पानीपत से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह मलिक व उनकी पूरी टीम मौजूद रही। हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर, हरियाणा के हर गांव-गांव के अंदर और शहर के हर वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल रही है। उसी का शुभारंभ मैं करने के लिए आज मैं पानीपत में आया हूँ। पानीपत में लगभग 10 ऑक्सीजन जांच केंद्रों का आज हमने शुभारंभ किया है और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जोन के और जिले के लोग मिलकर पूरे पानीपत के हर गांव में और शहर के हर वार्ड के अंदर इस ऑक्सीजन जांच केंद्र को खोलेंगे। हरियाणा में सरकार खटारा हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष, इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक कोरोना से ग्रसित हुए। कोरोना से ग्रसित कोई भी हो सकता है, विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि वो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। हरियाणा के सरकारी चिकित्सा व्यवस्था से खुद सरकार का विश्वास उठ गया है। तो भगवान के भरोसे जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये जो ऑक्सीजन जांच केंद्र हम बना रहे हैं, ये हरियाणा सरकार का काम था कि गांव-गांव, शहर-शहर पे ऑक्सीमीटर भेजे और लोगों को भरोसा दे, कोरोना के विषय में जानकारी दे। जब नहीं दे पाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली का बेहतर कंट्रोल किया है, उन्होंने कहा कि हम इन सरकारों के भरोसे हरियाणा की जनता को नहीं छोड़ सकते और हम ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, ये प्योरली सामाजिक काम है। हम हर गांव के अंदर अपना ऑक्सीमित्र नियुक्त कर रहे हैं। ऑक्सीमित्र के साथ में एक कोरोना वॉरियर टीम होगी, वो सब मिलकर गांव में एक एक घर में जाएंगे, सबकी ऑक्सीजन चेक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे। जब ऑक्सीजन मित्र जो हमारा जिस गांव का होगा, उसके मोबाइल से हम सारे के सारे गांव को जोड़कर उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दुनिया में कोरोना के विषय में जो लेटेस्ट हो रहा है वो जानकारी देंगे, ताकि हरियाणा का एक एक व्यक्ति कोरोना की जानकारी से अच्छी तरह परिचित हो सके। क्या उसके बचने के उपाय हैं, क्या उसमें सावधानियां बरतनी है और क्या उसके इलाज हैं और किस स्थिति के अंदर हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, किस स्थिति तक हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, ये हरियाणा के एक एक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाएंगे और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरा हरियाणा का गांव, गांव-गांव का अलग ग्रुप बनकर जुड़ेगा।